गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कल व्रत था और व्रत की वजह से सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, पूजा का सामान, मिठाई, सब कुछ। जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया। और रिक्वेस्ट ये है कि आप सब जितने भी लोग हैं वो वीडियो अगर फ़ोन में देखते हैं तो फ़ोन में लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप टीवी में मेरे वीडियो देखते हैं फिर भी फ़ोन से लाइक कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपके लाइक और आपका सब्सक्राइब जो करना है वही हमारे लिए आशीर्वाद है, और आपके इस आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए, रेड कलर का बटन बिल्कुल फ्री है उसे दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे मैं क्या करने वाली हूँ अभी मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सोच रहे होंगे मैं क्या दिखा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ दिखा रही हूँ। ये जो पाइप है ये पता नहीं कैसे श्रिंक हो गई है, तो ये अंदर नहीं जा रही है, बार बार वहीं पर टिक रही है जाके। तो अंदर की तरफ पानी इसका जाना चाहिए क्योंकि ये जो गीला रहता है इसकी वजह से दिक्कत होती है। मॉइस्चराइज़र पहले ही हमारे घर में बहुत है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बॉटल है, बॉटल को ऐसे काट लिया है, इसका लास्ट वाला हिस्सा काट दिया। अब इसको मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। मुझे नहीं पता मैंने सही किया है गलत, लेकिन मुझे यही सूझ रहा था और मैंने ये कर दिया। और ये जो बॉटल है वो मेरी बेटी के वजह से घर में आई है क्योंकि उसको ड्यू पीना था परसों, तब मैं ये ले आई हूँ और ये काम भी आ गई है। थैंक्स टू माई डॉटर। अब ये देखिए पानी सीधा अंदर जाएगा, अच्छा हो गया ना, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए जुगाड़ तो हो गया कम से कम। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यूज़ कीजिए और मुझे बताइए। सॉरी गाइज, आपसे 8 बजे के बाद बात नहीं हो पाई क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है। काम कर रही थी, सोच रही थी दिवाली आ रही है तो काम भी कर लूँ। आज हो गई है 10 तारीख, तो काम कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, तो सॉरी इसके लिए। तो मैं ये व्लॉग अभी एंड कर रही हूँ, एंड मतलब दोबारा स्टार्ट करूँगी दोपहर के बाद, क्योंकि अभी मैं ये सफाई कर लूँ। क्योंकि व्लॉगिंग का ये होता है कि ऑल टाइम होती है कि ये काम करना है तो वो भी कैप्चर करना है, ये काम करना है वो भी कैप्चर करना है, तो उस चक्कर में ना काफ़ी समय चला जाता है। सॉरी, करूँगी कैप्चर, लेकिन थोड़ा सा सफाई में जब विघ्न आता है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है। तो कैमरा टिक भी नहीं रहा है और बार बार गिरते जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है अभी, तो मैं ऐसे तैसे हाथ से बना लेती हूँ वीडियो या कहीं रख लेती हूँ। अभी रखने को कहीं भी जगह नहीं मिल रही मेरे को, और 2-3 बार गिर गया है तो इसका ग्लास गार्ड ऊपर वाला क्रैक हो रहा है, और अभी हफ्ता पहले ही मैंने लगवाया था ये और 2 जगह से क्रैक हो गया। तो कोई बात नहीं, इतना नुकसान तो चलता है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैं आपको मिलूंगी दोपहर के बाद, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइज, अपना ध्यान रखिए और वेट कीजिए। अभी मैं बस 1 मिनट में आई, बाय। हेलो जी, हेलो अगेन। इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। तो ये है बेड हमारा, इस पर मैंने बेडिंग लगा रही हूँ अभी, तो खींचना बाकी है, क्लियर नहीं है अभी। तो मुझे बेडशीट पसंद है कि बिल्कुल क्लियर बिछी हो। और मुझे इसके बारे में आपको बताना है, जैसे कि शिमला में ठंड बढ़ गई है तो मैंने क्या किया, जो मेरे बिग साइज क्विल्ट होती है, रजाई होती है, डबल बेड की रजाई, उसका जो कवर रहता है वो कहीं से ना थोड़ा सा इतना सा कील में अटक गया था बाहर, तो निकल गया था, वो फट गया था थोड़ा सा। तो उसको मैंने कैसे यूज किया है कि मैंने गद्दे उसमें डाल दिए, ये देखिए उसमें मैंने गद्दे डाल दिए। अब ये गर्म है, ये कवर गर्म है तो इससे गर्माहट रहेगी। अब ये बेडशीट ऊपर बिछ जाएगी, और अगर आपके वहां भी ठंड पड़ती है, आप ठंडी जगह पे रहते हैं, तो आप ये आइडिया यूज कर सकते हैं। मतलब आपको काफी आइडिया पता होंगे ऑलरेडी, बट ये मैंने खुद से किया है क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं है कि मैट्रेस पे जो कवर चढ़ा है डबल बेड की रजाई का गर्म कवर है, और ऑलरेडी आपके गद्दे सिक्योर हैं, सेफ है, क्योंकि उन पर कवर है जिप वाले। देखिए धूप भी बहुत ठंडी है, ये देखो दोपहर का टाइम है और धूप नहीं है यहाँ पे। कितनी तेज धूप रहती है, अष्टमी वाले दिन जब मैं नहाई थी तो कितनी धूप थी यहाँ पर, है ना, तकरीबन 2 दिन पहले। आज 10 तारीख ही है ना, मुझे पता नहीं है, याद भूल गई मैं। दिव्यांका आज डेट क्या है? हाँ 10 है, 10 तारीख है। और देखो हाल, इधर हवा भी चल रही है, ये पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये देखो पत्ते हिल रहे हैं,
यहाँ पर भी क्लोजअप दिखाती हूँ, मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये देखो हवा चल रही है ना, तो मैंने सोचा आपको व्यू भी दिखा दूँ बाहर का। ये देखिए ऊपर से जितना भी लोग सामान लाते हैं ना, ये कागज़ वागज वो दिख रहा है आपको, वाइट कलर का बैग, ऊपर से पता नहीं क्यों इतना एलर्जी करते हैं कोई, हर एक चीज़ फेंकते हैं नीचे को, ऐसे नहीं करना चाहिए, गंदगी फैलाते हैं अपने ही। कितना अच्छा लगता है ना रास्ता, जब हम सुबह इधर से वहाँ तक झाड़ू लगाते हैं और यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगा देते हैं और खुद सफाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ गंदी ना रहे, और ये लोगों का हाल देख लो, राशन वाशन लाओ और कट्टा नीचे फेंक दो लोगों के घर के सामने। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, करना है अब, वो फेंकते रहेंगे हम काम करते रहेंगे, हमारा तो ये चलता ही रहेगा। तो चलिए आपको जाखू के दर्शन करवा दिए, अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने कड़ी बना दी है, दोपहर का काम स्टार्ट है, सफाई अभी अंदर चल ही रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और देखिए ना, आप बोलेंगे ना कि पता नहीं क्यों बोल रही थी, एक्सक्यूज दे रही थी, ये देखो दूध, सुबह 7:45 बजे दूध आ जाता है, तब से ऐसे ही पड़ा है क्योंकि सफाई के चक्कर में मैं दूध भी गर्म करना भूल गई। अभी इसको गर्म कर लेती हूँ कि ये ना हो कि खराब हो जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, सुबह 7:45 से आया है, अभी 12:30 हो चुके हैं। तो मैं दूसरा काम करती हूँ, आप वेट कीजिए मेरा, मैं अभी आई। हेलो, कौन सी चीज तंग कर रही थी बता, अभी जो कर रही थी तो यही काम करके बहुत थक गए इसलिए हम लेट गए। और आपको पता है कितना टाइम हुआ, अब बज गया है 2:45 बज गए हैं, 1:45। हेलो बोलो, कौन सी चीज तंग कर रही है? कौन सी? अभी जो कर रही थी तो यही। कौन सी? बड़ी अनजान बन रही है ना, अनजान तो मेरा नाम है ना, तो तू क्यों अनजान बन रही है फिर? टेल मी, टेल मी, टेल मी। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिलते हैं, एंड कर दूं व्लॉग, क्योंकि थक गई हूँ बहुत, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। एंड अभी एंड, ए इतनी जल्दी एंड, बता कौन सी चीज तंग कर रही थी भाई? कौन सी? बहुत परेशान कर रही थी मैं, कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, 20 मिनट हो गए और कभी कुछ कर रही है, कभी गुदगुदी कर रही है, कभी कुछ कर रही है। छुट्टी? चलिए ये थी 10 नवंबर की वीडियो, अब हम बाय करते हैं, से बाय। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको बताइएगा जरूर कमेंट में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कई लोग टीवी में वीडियोस देखते हैं और फोन से लाइक नहीं करते हैं, टीवी में जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, तो प्लीज फोन से वीडियो को लाइक कीजिए और वहां पर कमेंट जरूर छोड़िएगा, किसी भी चीज से रिलेटेड छोड़ दीजिए, पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो सब्सक्राइब है ना आपका, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, और जितना आशीर्वाद हमें आपका भरपूर मिलेगा उतनी जल्दी मैं अपने घर बना पाऊंगी, है ना? अच्छा आपसे बात करूं? घर नहीं, घर बनाना है। मुझे आपसे बात करूं? बोलो। नाक इतना छोटा है, अगर आपका नाक बंद हो जाए आप सांस कैसे ले पाती हो? नहीं सोचने वाली बात है, एक तो जिंजर थी ना हमारी पग, उसका नाक ऐसे पिटका हुआ था ऐसे हथौड़े से, जैसे ऐसे ये वो और फिर जब नाक रुक जाए छोटे नाक वालों की यही प्रॉब्लम है क्या? छोटे नाक वाले आपका नाक बंद हो जाए अब हाँ मुझे होती है प्रॉब्लम, पर जब मुझे ना कोड होता है तब होती है दिक्कत, वैसे नहीं होती। पर मेरा नाक देखो बंद हो जाए ना मुझसे सांस ले। अच्छा था जोक तेरा, बहुत अच्छा। अच्छा दिव्यांका का पंच कैसा लगा आपको बताइएगा, आज इसने कॉमेडी, मैं तो पंच किया ही नहीं, ये कॉमेडी पंच बेटा। चलिए गाइस अब हम सो जाएंगे। सुबह सुबह कौन सोता है? सुबह सुबह ये कौन सी सुबह है तेरी? दोपहर। हाँ तो मैं तो थोड़ी देर लेटूंगी भाई, मेरा हाथ थक जाता है जल्दी, और ट्राइपॉड भी नहीं है मेरे पास। आशीर्वाद दे रहे जल्दी हम अच्छा सा ट्राइपॉड ले लें। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, पैसे दो। पागल है, लोगों से पैसे मांगेगी? नहीं नहीं, आप आशीर्वाद देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइब, हमारे व्यू, हमारे लाइक्स बढ़ेंगे तो हमें ना जल्दी पेमेंट आएगी। अगर पेमेंट आएगी तो हम अच्छा से अच्छा सा ट्राईपॉड भी ले पाएंगे और घर भी बना पाएंगे। मुझे घर नहीं बनाना, मुझे घोर बनाना है, घोर।
घोर बनाना है, घोर घर सिंपल बोल दो तो बनाना है। नहीं नहीं घर मतलब होता है कि छोटा सा घर, और घोर होता है बड़ा सा घर। इससे अच्छा बुरी बिल्डिंग घर नहीं नहीं अच्छा सा घर बनाना है, घोर बनाना है। अगर बिल्डिंग को घर बोले तो चलिए गाइस हम चलते हैं, बाय बाय, मैं नहीं जाऊंगा, टेक केयर, आई लव यू सो मच गाइस, मैं नहीं जाऊंगा।